आज हम देने वाले हैं इंडिया सीक्रेट विनोद नहीं यार आज हम वीडियो लेके आए इंडिया सीक्रेट वेपन्स पर के इंडिया की सीक्रेट वेपन्स कौन सी हैं तो देखेंगे इस वीडियो को इस विनोद को और बाद में इस विनोद पर बात करेंगे तो अब चलते हैं विनोद की तरफ तो लेट्स विनोद स्टार्ट हमारे चैनल को विनोद जरूर कर दें डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो डिफेंस लवर्स स्वागत है आपका डिफेंस के आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले काली के बारे में और जानेंगे कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या ये केवल एक अफवाह है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन काली देखें इस तरह हमारा अब बोल रहा है काली वैसे ही मैं कह रहा हूं वैसे ही इसका फंक्शन है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि PARC इन दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और काली की फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर और जो एक काली शब्द है ये हिंदू गॉडेस काली का नाम है जिसका मतलब होता है विनाश की देवी और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली को एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया था लेकिन ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है बल्कि इससे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है यानी कि इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में तो रखा गया है लेकिन यह लेजर वेपन से विपरीत है क्योंकि जहां लेजर वेपन हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से टारगेट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है तो वहीं काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है और इस वजह से काली दुश्मन के हरेक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं और इसे सीक्रेट वेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में बेहद ही कम जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और अपनी इसी कैपेबिलिटी के चलते काली न केवल मिसाइल्स फाइटर एयरक्राफ्ट ड्रोन्स इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है बल्कि स्पेस में घूम रही दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ये रखता है इस प्रोजेक्ट की स्थापना सबसे पहले डॉक्टर PH रॉन और फिर PARC के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम द्वारा 1985 में की गई थी और इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था 1989 में और शुरुआत में से PARC के एक्सेलरेटर एंड पल्स पावर डिवीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा था और बता दें कि डॉक्टर आर चिदम्बरम उस समय प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होने के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे और फिर इस प्रोजेक्ट में DRDO भी PARC के साथ शामिल हुआ था शुरुआत में तो इसे केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए ही विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि इसे डिफेंस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहला एक्सेलरेटर बना था उसकी पावर थी केवल 0.4 गीगावाट फिर जिसे बाद के वर्जन में धीरे धीरे बढ़ाया गया और ऐसे करके काली 80 काली 200 काली 1000 काली 5000 और काली 10000 इसके इतने सारे वेरिएंट्स पर काम किया गया और रिपोर्ट तो यह है कि काली 5000 को इस्तेमाल करने के लिए लेट 2004 में कमीशन भी किया गया था और जो काली 5000 है उसका पावर लेवल 40 गीगावाट तक है जबकि पूरे सिस्टम का वजन 10 टन है और जो इससे भी एडवांस वर्जन है काली 10000 उसका वजन 26 टन है अब बात आती है कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं तो 14 जुलाई 2018 में पार्लियामेंट ने इस काली 5000 प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार से जानकारी साझा करने के लिए कहा था लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि इसकी जानकारी को साझा करना एक संवेदनशील मामला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है और असल में पार्लियामेंट ने सरकार से ये सवाल किया था कि क्या काली 5000 को इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं और अगर कोई प्रस्ताव है तो उसके बारे में आप जानकारी साझा करें लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी और उनके इस जवाब से ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो सीक्रेट वेपन काली है वो कोई अफवाह नहीं है बल्कि यह सच में एग्जिस्ट करता है
और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। और जैसे कि इसको सीक्रेट वेपन कहा गया है तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सीक्रेट ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी भारत के एडवर्सरीज और खास करके चीन जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज को दिन पर दिन डेवलप कर रहा है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस काले नाम के वेपन की कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जितनी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार ये केवल एक सिंगल शॉट वेपन है, यानी कि अगर एक बार इसे फायर कर दिया जाए तो इसे दोबारा चार्ज होने में काफी ज्यादा समय लगता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि काली 5000 का वजन बताया गया है 10 टन और काली 10000 का बताया गया है 26 टन, तो इसी वजह से अभी इस काली को और भी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इसकी पोर्टेबिलिटी को और आसान बनाया जा सके और इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। और इसलिए कह सकते हैं कि काली को वेपन के तौर पर पूरी तरीके से इस्तेमाल होने में अभी थोड़ा समय है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो। भाई अगर इस तरह की बाकी कोई चीज है काली नाम की जो ये बहुत ही खतरनाक वेपन जो है ना, खाली वो लाइट जो है नहीं, जो लेजर जो है, लेजर नहीं है ना, वो ये तो कह रहे वही पल्स है ना जो बेसिकली है, वो जैसी भी चीज पर पड़ती है फौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ये चीज है इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद इस तरह की लेजर लाइट देखी है जिनसे आप किसी को मारो तो उसको जलन लग पड़ती है, यानी उसमें से कुछ ऐसी पल्स या इफेक्ट निकलती है जो, और लेजर से ऑपरेशन भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बायो रखी थी मैंने, तुम्हें पता है वो तो लेजर से ऑपरेशन आंखों के इलाज हो रहे हैं। और मोती सफेद मोती है वो जो गुर्दों के अंदर से वो पत्थरी निकालने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं, तोड़ कर उसे निकाला जाता है। तो लेजर का यूज तो हो रहा है, जहाँ छोटी मोटी पत्थरी टूट सकती है वहाँ अगर बड़ी लेजर बनाई जाए या बड़ी इस तरह टाइप की कोई चीज बनाई जाए तो उससे काफी काम लिया जा सकता है। तो ये तो बात जाहिर है कि 26 टन की 10000 वो वाली अगर ऐसा करेंगे सूरज की रोशनी को यूज करके उसी को मारा जाए, सूरज को मारा जाए, सूरज की रोशनी ले गए ना उसको किसी वेपन को मारा जाए, इस टाइप का कोई चीज यूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा आगे जाने दिमाग खराब हो गया इनका, लेकिन मुझे लग रहा है इनका जो है ना थोड़ा सा, लेकिन मैंने बात सोची है तो शायद सही सोची होगी। सो गाइस मैं बड़ा हैरान हूँ बहरहाल इस किस्म के वेपन से, लेकिन अभी तक मैंने कहीं देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुना है कि इंडिया के पास है, मैं हैरान हुआ हूँ कितनी खतरनाक आइटम भी है, वाकई बड़ा ही हैरान कुल किस्म की ये वेपन है। लेकिन मैंने पहले फिर देखी, जैसे लग रहा है पहले मैंने इस बारे में सुना हुआ है कि लेजर होती है इस तरह की जो होती है जो के जला, देखा नहीं तूने किस तरह के, मतलब कोई भी चीज जो उसके रडार के अंदर आ जाएगी, उसमें होल कर देगी, कोई भी चीज जो उसके रडार के अंदर आ जाएगी उसको खत्म कर देगी, ठुंग 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 ऐसे मारा तो कंप्यूटराइज ही हो चाहे, लेकिन वो मतलब कि उन्होंने बनाई थी कि इस तरह की उसकी क्वालिटी होगी, इस तरह उसका अर्थ है ना, वो इस तरह का वेपन है उसको शो भी नहीं कराते लोग, मतलब कंट्रीज जिनके पास है वो शो नहीं कराती है क्योंकि शायद सीक्रेट वेपन है, जैसा कि टाइटल है हमारी वीडियो का टॉप सीक्रेट वेपन्स। भाई अगर इतना सीक्रेट हो तो ये वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाई है आवाम को दिखाने के लिए और कुछ लिए, जब दिखा रही तो सीक्रेट क्या, लेकिन लोगों के दिमाग में शक है ना कि हो ना हो, हो ना हो। सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारे रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पर आपके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।